नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे चैनल। दोस्तों आप सभी को अभी तक यहां पर जानकारी लग चुकी होगी कि एनएम की जो परीक्षा का जो एग्ज़ाम की जो डेट है दोस्तों, 21 और 22 अक्टूबर को यहां पर एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट कराया जाना था, लेकिन दोस्तों इसके जो एग्ज़ाम की जो डेट है उसको दोस्तों यहाँ पर बढ़ा दिया गया है कुछ कारणों की वजह से। वो दोस्तों हम जानेंगे जिसका एग्ज़ाम डेट है वो नया एग्ज़ाम डेट कब यहाँ पर कंडक्ट कराया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो भी आपका एग्ज़ाम सेंटर जो अलॉटमेंट वगैरह किया गया है, जो टाइमिंग है वो सब कुछ यहाँ पर सेम रखा गया है, उसमें दोस्तों किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन यहां पर नहीं किया गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों नया एग्जाम डेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और अभी तक आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है वो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एडमिट कार्ड इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप देख सकते हैं राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा एक नोटिस जारी करके ये बताया गया है कि जो एग्जाम दोस्तों 21 और 22 अक्टूबर को जो कंडक्ट कराया जाना था वो दोस्तों 21 अक्टूबर का जो एग्जाम है वो 25 अक्टूबर को यहां पर कंडक्ट होगा, और 22 अक्टूबर का जो एग्जाम है दोस्तों यहां पर 26 अक्टूबर को यहां पर कंडक्ट कराया जा रहा है। और बाकी दोस्तों इसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। जो आपका एग्जाम सेंटर है और जो आपकी परीक्षा की टाइमिंग है सब कुछ यहां पर सेम है, जो चीज़ यहां पर दी गई है आपके एडमिट कार्ड में वही सब कुछ यहां पर रहने वाला है, ठीक है। उसमें किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन यहां पर नहीं किया गया है, ठीक है। तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तों आप सभी के लिए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी जो है ये जो नया टाइमिंग जो यहाँ पर जो नया डेट जो चेंज किया गया है इसके बारे में सभी को यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर प्राप्त हो सके, ठीक है। चलिए दोस्तों अब मैं बता देता हूँ, अभी तक आपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप अपने ब्राउजर में दोस्तों यहाँ पर ऊपर दिए गए यूआरएल को आपको टाइप कर लेना है। तो वैसे भी दोस्तों मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये यूआरएल टाइप कर डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट एडमिट कार्ड जो डाउनलोड करते हैं उस पर आप पोर्टल पर आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो है अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालेंगे, ठीक है, और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों आपको जो है आई एम नॉट रोबोट वाले ऑप्शन पे आपको दोस्तों यहां पर क्लिक कर लेना है और लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। तो यहां पर दोस्तों आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है वो शो करेगा, उस पर क्लिक करके आप जो है अपना एडमिट कार्ड यहां पर डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों कोई भी चेंजेस कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो इस चैनल के माध्यम से आपको सूचित करके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।